अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल रैम कैसे बनाते हैं। असल में ये वर्चुअल रैम होती क्या है? आपने बहुत से ट्यूटोरियल देखे होंगे कि हाउ टू मेक वर्चुअल रैम विद यूएसबी। आज मैं भी इसी तरह एक वीडियो बना रहा हूं कि यूएसबी के ज़रिए वर्चुअल रैम क्या कैसे बनाते हैं। हम बात कर रहे थे कि वर्चुअल रैम होती क्या है। वर्चुअल रैम असल में गैर हकीकी रैम होती है, जो कि आप सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो चल रहा हो। जैसे कि आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो रेंडर अच्छी तरह नहीं हो रहा। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, साइन में 4D यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम जब आप यूज़ करते हैं तो वर्चुअल रैम बना लें, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपका कंप्यूटर जो है वो फास्टली चलेगा और स्पीड भी तेज़ होगी। जैसा कि इसके लिए आपको एक USB की ज़रूरत होगी, और जब आप जितने GB की बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन वो USB में जगह कट जाएगी। जैसा कि अगर आपके पास 4GB की USB है तो आप जब 1GB की रैम बनाएंगे तो वो 3GB की रह जाएगी, लेकिन उसे दोबारा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी USB लगाएं। जैसा कि मैंने ये लगाई, मेरी 4GB की है। तो आप चाहते हैं कि इसकी रैम बना लें जो कि 2 1GB की बन जाए, तो आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। लेकिन इसे हर वक्त मत चलाना, क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर ख़राब भी हो सकता है। ये सिर्फ ज़रूरत के वक्त आप जब आप USB लगाएंगे तो तब भी आपका कंप्यूटर जो है स्पीड तेज़ होगी। तो इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ का बटन दबाएं, रेडी बूस्ट का बटन दबाएं, और ये इधर कुछ लेगा वक्त, और फिर ये डोंट करेंगे तो ये नहीं होगी। और अगर ये यूज़ करेंगे कि हमने इस करनी है, इस USB से रैम बनानी है, ये पहले भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की स्पीड तेज़ करने के लिए आप कितनी जगह ले। तो मैं चाहता हूँ कि 2GB, तो आप कैलकुलेटर खोल लें। कैलकुलेटर लें और 2GB की बनानी है तो 2 को ज़रब दें 1024 से, 2 × 2 तो ये 2048 MB। इधर आप 2048 पर जाएं, ये अब ये 2GB की रैम बनेगी। अप्लाई कर रहे हैं, ओके करें। तो ये देख रहे हैं, मैंने बताया था पीछे अभी 1.62 GB बच गया है। ये जो एक आ जाएगा सॉफ्टवेयर की, ये अब जब जितनी देर ये चलेगी उतनी देर आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट स्पीड से चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब आप इसे चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। देख रहे हैं, ट्राई अगेन करते रहेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि ये हमने खुद बनाया है। अब आप इसे चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे? प्रॉपर्टीज पर जाएं, रेडी बूस्ट पर, और ये आप इधर आप ज़्यादा GB भी लगा सकते हैं तो आपका कंप्यूटर तेज चलेगा। डॉट पर करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये कोई देर लेगा। आप देख रहे हैं तो आप उसी वक्त ये ख़त्म हो गया। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट कर दें और शेयर कर दें।